लेकिन अब इस प्रोग्राम के आने के बाद, जो कि एक परमानेंट प्रोग्राम होगा, आपको आइडिया होगा कि अगर हम कनाडा जा रहे हैं स्टडी के बाद, हम कौन से पाथवे में अप्लाई कर सकते हैं फॉर आर पीआर। कोर्स अच्छा नहीं लगा, उनके टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ, और टीआर टू पीआर की अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल गई। हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। सो आज हम बात करने वाले हैं टीआर टू पीआर के बारे में। टीआर टू पीआर एक प्रोग्राम था जो लास्ट ईयर आया था फॉर लिमिटेड टाइम ओनली। ये था टेम्प्रेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट। इसमें स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ था, स्टूडेंट्स का तो लाइक ड्रीम कम ट्रू था, क्योंकि उनको इसमें पीआर बहुत इजीली हो गई थी। ना तो उनको एक साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, ना उनको पॉइंट्स का सिस्टम था कि इतने पॉइंट्स चाहिए। सो ये प्रोग्राम लेकिन टेम्प्रेरी था, ये परमानेंट नहीं था, ये सिर्फ कुछ समय के लिए आया था और कुछ ही सीट्स थी इसमें। लेकिन अब बात हो रही है कि ये प्रोग्राम फिर से आने वाला है, परमानेंट होगा ये प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपको तैयारी करनी है, कब ये प्रोग्राम आएगा, और लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक्स भी की थी जिस वजह से वो टीआर टू पीआर में अपनी एप्लीकेशन नहीं लगा पाए थे। तो इस बार आपको कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करने हैं, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टीआर टू पीआर था क्या। टीआर टू पीआर टेम्प्रेरी रेजिडेंट टू परमानेंट रेजिडेंट था। इसमें 90,000 एप्लीकेशंस रिसीव की गई थी, 40,000 थी ग्रेजुएट्स की, एंड देन 30,000 जो थे वो थे स्पेशल ऑक्यूपेशंस में जो जॉब करते थे, एंड देन थे 20,000 हेल्थ केयर वर्कर्स। स्टूडेंट्स के लिए जैसे ही 40,000 एप्लीकेशन रीच हुई, द प्रोग्राम वॉज स्टॉप, राइट। सो ये टेम्प्रेरी था। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या टीआर टू पीआर प्रोग्राम फिर से आ रहा है। इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में आपको मैं बताती हूँ। इस सरी के जो एमपी हैं रणदीप सराय, उन्होंने एक मोशन डाला था, मोशन 44 जनवरी दिस ईयर, जनवरी 2022 में पार्लियामेंट में, कि यहाँ पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स आते हैं, टेम्प्रेरी वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे जॉब करते हैं, इकोनॉमी सपोर्ट करते हैं, राइट। लेबर शॉर्टेज इतनी ज्यादा है कनाडा में और वो उस लेबर शॉर्टेज को फुलफिल कर रहे हैं, क्यों उनके लिए कोई ऐसा स्पेशल प्रोग्राम नहीं है कि उनको प्रेफरेंस मिले जब वो पीआर के लिए अप्लाई करें। तो ये जो मोशन 44 था, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें अप्रूव किया गया मई 2022 में। और जब ये अप्रूव हुआ तो जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर, उनको टाइमलाइन दी गई कि विद इन 120 डेज गवर्नमेंट आपको टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आना है, और वो 120 डेज जो है वो कंप्लीट होंगे दिस ईयर सितंबर में। सो ये पूरी आशंका है कि आपको सितंबर 8 तक कोई ना कोई परमानेंट जो है प्रोग्राम मिलेगा जिसमें आप स्टूडेंट्स या टेम्प्रेरी वर्कर्स अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं कि जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनका क्या कहना है। उनको रिसेंटली एक रेडियो शो में बुलाया गया जहां पे उनको यही क्वेश्चन पूछा गया कि आप टेम्प्रेरी वर्कर्स के लिए, टेम्प्रेरी जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनके लिए पीआर के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आई एम वर्किंग ऑन दिस पाथवे विच इज़ नॉट टीआर टू पीआर, बट ये एक परमानेंट पाथवे होगा और इसमें काफी ज्यादा स्पीड अप होंगी एप्लीकेशन टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की जो पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इंस्टेड टू क्रिएट ए रेगुलर पाथवे दैट पीपल कैन रिलाई ऑन दैट विल प्रोवाइड अ पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, वेदर दे आर कमिंग इन टू स्टडी और वेदर दे आर कमिंग इन एज अ टेम्प्रेरी फॉरेन वर्कर। In fact, you don't have to take my word for it. This is written right into my mandate letter that the Prime Minister gave to me, which is a public document. Mm-hmm. I am required to establish a pathway to permanent residency for temporary residents. और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है कि पहले ऐसा कुछ आइडिया नहीं होता था स्टूडेंट्स को कि यार हम स्टूडेंट वहां जाएंगे, स्टडी के बाद हम पीआर कैसे अप्लाई करेंगे। सब कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता था। जॉब लोगे तो इतने पॉइंट्स होंगे, इतने पॉइंट होंगे तो आप पीआर ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इस प्रोविंस से उस प्रोविंस में मूव करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। कई स्टूडेंट्स को और कोर्सेज लेने पड़ते हैं, वर्क परमिट एक्सपायर हो जाता है, कुछ आइडिया नहीं होता था। लेकिन अब इस प्रोग्राम के आने के बाद, जो कि एक परमानेंट प्रोग्राम होगा, आपको आइडिया होगा कि अगर हम कनाडा जा रहे हैं स्टडी के बाद, हम कौन से पाथवे में अप्लाई कर सकते हैं फॉर आर पीआर। एक चीज आपको ध्यान देने वाली इस प्रोग्राम में ये है कि ये प्रोग्राम सिमिलर नहीं होगा टीआर टू पीआर के, क्योंकि टीआर टू पीआर टेम्प्रेरी था, इस बार ये परमानेंट होगा और भी कई चेंजेस होंगे। लेकिन अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम की और टीआर टू पीआर मिस हो गया उनके हाथ से, और फिर वो वेट कर रहे थे कि यार टीआर टू पीआर कब आएगा। मुझे आप लोग बहुत से क्वेश्चंस पूछते थे कि सैंडी आपको कोई आइडिया है टीआर टू पीआर कब आएगा, राइट। नाउ आई हैव द कंफर्म इंफॉर्मेशन कि ये प्रोग्राम आ रहा है, इट इज एक्सपेक्टेड इन सितंबर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है फॉर दिस प्रोग्राम इन एडवांस। सो सबसे पहले आता है आईएलटीएस। लास्ट टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी कि आईएलटीएस की डेट ही नहीं मिल रही थी, और ये प्रोग्राम लिमिटेड टाइम के लिए आया था, तब तक कई लोगों का तो आईएलटीएस क्लियर नहीं हुआ था, कईयों को डेट नहीं मिली थी, तो ऐसे इश्यूज आए थे और
और उनसे ये मिस हो गया। तो इस बार आपको यही पहला स्टेप करना है कि आपको आईएलटीएस अपनी दे के रखनी है। अगर आप टीयर टू पीयर की बात ना भी करो, अगर आप सीईसी में भी अप्लाई करेंगे, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में भी अप्लाई करना चाहते हैं, आईएलटीएस मैंडेटरी है ही है। मतलब सबसे पहले स्टेप आपको यही करना पड़ता है जब भी आप पीयर के लिए अप्लाई करते हैं कि आपको आईएलटीएस करना पड़ता है। तो आईएलटीएस अपनी दे के रखो, पहले ही तैयारी आईएलटीएस की तो पूरी रखो, दो साल के लिए वैलिड होगी तो आपको कोई इशू नहीं होगा। दूसरी जो रिक्वायरमेंट थी लास्ट टाइम वो थी कि आपको एक्टिवली वर्किंग होना चाहिए। कई बार मैंने देखा कि स्टूडेंट सिर्फ कैश पे ही जॉब करते हैं। सो अगर आप कैश पे जॉब करते हैं वो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है और वैसे भी वो इलीगल होती है, तो आप सिन पे जॉब जरूर करें, उससे आपको हेल्प होगी अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट्स आउट नहीं है बट दिस इज एक्सपेक्टेड। सो ऐसी अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो अगर आप ऑलरेडी सिन पे जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, तो आपको एटलीस्ट वो स्ट्रेस नहीं होगा कि आप वर्किंग नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स के साथ ये हुआ था कि वो कैश पे जॉब कर रहे थे और वो एलिजिबल ही नहीं थे टीआर टू पीआर के लिए। और एक चीज और, ज्यादातर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सैंडी हम कब जॉब अप्लाई करना शुरू करें, तो आपको वेट नहीं करनी है कि आप ग्रेजुएट हो तब आप अप्लाई करेंगे। आप 6-7 महीने पहले अपनी जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया करो, जब भी आपको पता होता है कि हम ग्रेजुएट होने वाले हैं, राइट। कंपनीज पहले ही हायर करना स्टार्ट कर जाती हैं। इफ यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट तो ये ध्यान रखें कि आप पहले ही अपनी जॉब अप्लाई करना शुरू कर दें और ज्वाइन कर लें 22 सितंबर 2022। एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पर्सनल किसी नोन के साथ हुआ था कि उनकी वो टीआर टू पीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाई। रीजन क्या था कि उनकी स्टडी फिनिश नहीं हो पाई। अब उसमें ये ऐसा नहीं कि उनकी गलती नहीं थी, आई वुड से कि कई बार क्या होता है हम लोग यहाँ पे आके रियलाइज करते हैं कि हमें कोर्स चेंज करना है, राइट। सो ही चेंज हिज कोर्स लेटर, अभी उनकी स्टडी पूरी हुई है। अगर उन्होंने अपना कोर्स पहले ही ध्यान से लिया होता, 2 साल में अपनी स्टडी पूरी कर ली होती, तो लास्ट ईयर वो टीआर टू पीआर अप्लाई कर सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, जो भी था कि ध्यान से नहीं लिया या फिर कोर्स अच्छा नहीं लगा, उनके टाइम भी खराब हुआ, पैसा भी खराब हुआ और टीआर टू पीआर की अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल गई। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपना जो है दिमाग में सोच के आओ कि मुझे कौन सा कोर्स करना है और इतने टाइम में मुझे स्टडी फिनिश करनी है। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं यार, एक प्रोविंस में एक कोर्स छोड़ के दूसरी प्रोविंस में ज्वाइन करते हैं और टाइम खराब होता है, पैसा खराब होता है। तो ये भी ध्यान में रखना कि आपकी स्टडी अपनी टाइम पे खत्म हो, उस चीज को पास करना है, पेपर्स वगैरह सब टाइम पे पास करो और टाइम पे ग्रेजुएट हो। आपको कभी नहीं पता कि कौन सी अपॉर्चुनिटी कब आ जाए और आपके हाथ से निकल जाए। एंड द लास्ट वन इज वेस। वेस अब हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कनाडा से है या फिर कहीं और से है। अगर कनाडा से बाहर से है अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक कर रखी है और यहाँ पे आके डिप्लोमा किया है, तो आपको वेस करानी पड़ती है जो कि आपकी जो एजुकेशन है उसकी इक्विवेलेंसी चेक करती है, उसको बोलते हैं ईसीए। तो अपनी ईसीए करा के रखो, उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बाहर की है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यू नेवर नो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाए। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं, वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि मेरी जो अपनी पीआर थी, अगर आपने मेरी स्टोरी नहीं देखी है पीआर स्टोरी, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मेरी पीआर विद इन 3 मंथ्स हो गई थी क्योंकि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले रेडी कर रखे थे। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होती है तो ऑफकोर्स जो आपका पीआर प्रोसेस है वो भी फास्ट होता है, राइट। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखो, जैसे कि मैंने आपको बताया मोशन 44 इज ऑलरेडी अप्रूव्ड, 120 डेज में कुछ ना कुछ आने वाला है और वो डेडलाइन है 8 सितंबर। तो तब तक आप सब बकल अप एंड एवरीथिंग जो भी है अपना प्लान करके रखो, सारी चीजें पूरी रखो अपनी, कोई मिस्टेक्स होने के चांसेस ना छोड़ो। और इस बार तो परमानेंट प्रोग्राम है और एक्सपेक्टेशंस अच्छी हैं इस प्रोग्राम से। जैसे ये प्रोग्राम के बारे में और नॉलेज मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगी। सो दैट्स इट गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप ये आपको हेल्पफुल लगी होगी। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज सैंडी टॉक्स कनाडा। इफ यू वॉन्ट टू बुक 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल विद मी रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, लाइफ इन Canada and career, you can do that. The link is in the description. I hope it helps. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, please like, comment and share. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe so that you won't miss next upcoming videos. So मिलते हैं अगली वीडियो में, till then take care, bye bye.